नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक दिवसीय बाड़ में दौरे पर पहुंचे। स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने रालोपा को मजबूती के साथ पंचायती चुनावों का आगाज किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए बाड़मेर विधायक और राजस्व मंत्री को आड़े हाथों लिया। देखिए, बाड़मेर का बहुत बड़ा लगाव मेरे साथ हमेशा रहा। राजस्थान की राजनीति के अंदर जब परिवर्तन का आगाज हमने किया तो बाड़मेर की धरती से जवान किसानों ने हमेशा नई ऊर्जा हनुमान बेनीवाल को दी, और उसके बाद जो हुंकार हमने भरी थी राजस्थान के अंदर, चाहे नागौर बाड़मेर के अंदर जब बड़ी रैली थी, बीकानेर सीकर और जयपुर के अंदर जो रैलियाँ हुई, और नई पार्टी RLP का जो गठन हुआ, पहली बार किसी किसान के बेटे ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। कम समय हमारे पास कम था, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। राजस्थान के किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ़ी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, जवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी और कानून का राज, इसको लेकर हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत की थी। उसमें बाड़मेर जिले का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे। बाड़मेर से भी अच्छा समर्थन बाड़मेर के जवान किसानों ने दिया, और बाड़मेर जिले से हमेशा मैं बीच बीच के अंदर बाड़मेर के अंदर आता रहा। मैं धन्यवाद भी देना आया बाड़मेर के लोगों को दोबारा। वैसे तो लोकसभा चुनाव के अंदर जब भाजपा से गठबंधन हमारा हुआ था, तब RLP ने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, और तो बहुत बड़ी जीत BJP को यहाँ मिली। उसमें RLP की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं तो कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर अगर RLP से गठबंधन नहीं होता तो मिशन 25 BJP का पूरा नहीं होता। कुछ मुझे यह लगता है कि पिछले एक साल के अंदर जब से गहलोत CM बने और इनका बेटा हारने के बाद यहाँ के मंत्रियों ने यहाँ RLP के कार्यकर्ताओं के साथ और निर्दोष लोगों के साथ इन्होंने यहाँ उनको तंग काफ़ी समय से बाड़मेर के अंदर कर रहे हैं। मैं जन सुनवाई करने भी आया हूँ। पंचायत चुनाव RLP राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ लड़ेगी, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात की बधाई भी दूंगा, धारा 370 हटा के। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राम मंदिर का जो निर्णय दिया, ये दोनों स्वागत योग्य कदम है। और धारा 370 और 35 से हटा के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर संदेश दे दिया कि हम किसी से कम नहीं, और हमें प्यार से तो कोई काम करा सकता है, आंख दिखा के हिंदुस्तान को कोई नहीं डरा सकता। हमारी सीमाएं सुरक्षित है, मजबूत है। चाइना भी भारत से खोप खाने लग गया, जिस हिसाब से, जिस मुस्तैदी से इस भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ा 5 साल के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो चाहे दूसरे इलाके हो, जिस तरह हिंदी भाषी और जो दूसरे लोग आपस में भाई भाई की तरह रहने लगे, और राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी, निश्चित रूप से उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। ये जो अब लोकसभा का सत्र चलेगा, इसमें भी कई बिल ऐसे आएंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। इसमें जिस तरह गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और यहाँ के नेता सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि केंद्र का ठेका मिल जाए और अपना पेट भर ले, इसी धंधे में लगे हैं, इसलिए बाड़मेर विकास में पीछे। इसकी भी मजबूती से पैरवी करेंगे कि 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। कि जिस तरह भारत कांग्रेस मुक्त हुआ है, राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। मैं तो ये चाहता हूँ राजस्थान के अंदर कि जाट राजपूत एक साथ रहे, गुजर मीणा एक साथ रहे, और हमारा राजस्थान मजबूत, जो संस्कृति राजस्थान की अनूठी संस्कृति, उसको हम भाईचारा हमारा कायम रहे। सब मेरा तो किसान मुख्यमंत्री का रहेगा, मैं सही तो भूल जाऊँ, 23, 28, 33 हनुमान बेनीवाल तो किसान मुख्यमंत्री की डिमांड पर रहेगा, लड़ेगा। मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ देश के लिए। राजस्थान में करूँ कि नहीं करूँ, रहूँ नहीं रहूँ, मेरी मर्जी का मालिक मैं खुद हूँ। इनको पूछ लेंगे, ये जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। दाइक की हरीश चौधरी से ज़्यादा चलती है, और वो एक जाति विशेष के लोगों का पीछा करते हैं, तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि किसी जाति विशेष का पीछा उनको नहीं करना चाहिए। वो विधायक हैं, कहीं ना कहीं हर जाति ने उनको वोट दिया, उनको उन लोगों को परेशान करना चाहिए जो भ्रष्ट हो, बदमाश हो, अच्छे लोग, और वो किसी भी जाति के, उनका उनको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए बाड़मेर विधायक अभी से अपनी तैयारी शुरू कर ले, बोरिया बिस्तर बांध ले।